अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल देसी तड़का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं आलू बैंगन दम वाले। आप देख सकते हैं ये एकदम रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना होगा। सो गाइस, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। अब हम इसको आपको बनाने का तरीका बताएंगे। व्यूवर्स, आलू बैंगन दम वाले तैयार करने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो हमारे पास तैयार हो चुके हैं। आप सबसे पहले हम लेंगे बैंगन। आपने देखना है इसी साइज़ में बैंगन को काटना और इसको पानी में भिगो कर रख लेना। अगर हम इसको पानी में नहीं भिगो कर रखेंगे तो ये काले हो जाएंगे। उसके बाद हम लेंगे कटा हुआ आलू, उसको आपने इसी साइज़ में काट लेना है। हरा धनिया, एक अदद कटा हुआ टमाटर, आधा चम्मच खुश्क धनिया, हसबे जायका नमक ले लेना है आपने, आधा या एक प्याज आपने ले लेना है। सब्जी में हम प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद हम ले लेंगे गरम मसाला, साथ में एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच हल्दी की। उसके साथ में हम एक दो कटी हरी मिर्चें ले लेंगे। साथ में दो चम्मच हम ले लेंगे दही के, ताकि इसमें खटास थोड़ी सी पैदा हो। अब हम इसको बनाएंगे। दम वाले आलू बैंगन तैयार करने के लिए पतीली हमने स्टोव पर रख दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे एक बॉल ऑयल का। आलू बैंगन में हम ऑयल का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि प्याज को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया। उसके बाद हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे, लाल मिर्च, हल्दी। उसके बाद डालेंगे हम कटा हुआ टमाटर, हसबे जायका नमक, गरम मसाला, कटी हुई हरी मिर्चें, और इसमें हम दो अदद दही के ऐड करेंगे। चम्मच, दो चम्मच हम दही के ऐड कर देंगे, साथ में खुश्क धनिया अच्छी तरह हिला लें। इस मसाले को आपने भून लेना है अच्छी तरह। व्यूवर्स, मसाले की भुनाई करने के बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। अब इन आलू को हम अच्छी तरह भून लेंगे। आलू को दो मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें बैंगन ऐड कर देंगे। बैंगन ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। बैंगन की भुनाई करने के बाद हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे, ताकि अच्छे से गल जाए। पानी ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पे। पतीली के ऊपर से हमने ढक्कन को हटा लिया है और आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो खुश्क हो चुका है और आलू और बैंगन गल चुके हैं। अब हम इसको दम लगाएंगे। दम लगाने के लिए तवा जो है वो हमने रख लिया है, इसको हम गर्म करेंगे। आलू बैंगन को दम लगाने के लिए हमने तवे के ऊपर इन्हें रख दिया है। दम लगाने से पहले हम इसके ऊपर एक चम्मच दही का ऐड करेंगे। अब हम इनको दम लगा देंगे और लो फ्लेम पे रखेंगे। 10 मिनट के बाद हमने दम को खोल दिया है। आप देख सकते हैं कि आलू बैंगन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और कितने ये टेस्टी लग रहे हैं। इस रेसिपी को व्यूवर ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज़। अल्लाह हाफिज़।